दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जो कि आज CBSE नीट का एग्ज़ाम रिजल्ट का उसका निकला है। इसमें हम बता दें बिहार के गर्ल ने टॉप करा है, हमने कई जगह सर्वे करा, एकदम पक्का हमें पता है, बिल्कुल फेक नहीं है ये वीडियो, बिल्कुल असली वीडियो है। यानी कि बिहार की गर्ल ने नीट एग्ज़ाम टॉप करा है और ज़्यादातर लोग कैंडिडेट जितने भी सक्सेसफुल हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश से निकले हैं। तो कल्पना कुमारी हमारी है, इनके सामने जो आपके सामने फ़ोटो है ये हैं कल्पना कुमारी जी हमारी बिहार से। कल्पना कुमारी ने सिक्योर करा है अपना स्कोर 99.99%, सोचिए, और 691 मार्क्स लाए हैं। तो तेलंगाना से रोहत पुरोहित और दिल्ली से हिमांशु शर्मा वो भी सेकंड पोजीशन पे आए हैं 690 मार्क्स से, और 686 मार्क्स से आरोज धर्मिजा दिल्ली से आए हैं, प्रिंस चौधरी राजस्थान से आए हैं, और जिन्होंने थर्ड रैंक दोनों ने ली है। तो बिहार की कल्पना कुमारी की बात करें, मंडे को टॉप रैंक मिली है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में फॉर एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। नीट का एग्ज़ाम आपको पता ही है, MBBS बनने के लिए ज़्यादातर लोग करते हैं या तो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो कुमारी ने 99.99% 100 में से लाएँ, यानी कि लगभग 100% मान लीजिए आप। और फिर उसके बाद दिल्ली से हिमांशु लाए हैं 690 मार्क्स, और आरव धर्म जी दिल्ली से, प्रिंस चौधरी राजस्थान से, दोनों ने थर्ड रैंक पाई है 686 मार्क्स ला के। और जितने भी टोटल हैं 13.36 लाख कैंडिडेट हैड रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम, रजिस्टर करा था, लेकिन 16.49% इंक्रीज़ हो चुके हैं लास्ट साल से, और हाउएवर सिर्फ 12 लाख कुछ कैंडिडेट ही अपीयर हो पाए टेस्ट के लिए, और 7 लाख कुछ लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर करा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक फ़ोटो मेरे पास, इसमें दे रखा है मार्क्स ऑब्टेन है, ये रिज़ल्ट है कल्पना कुमारी का, बिल्कुल ये रिज़ल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ नीट ऑल इंडिया रैंक में, उन वहाँ पे देखिए 1 लिखा है, जहाँ पे नीट ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं वहाँ पे 1 लिखा है, और ओवरऑल रैंक में 1 लिखा है, कैटेगरी UR है, कैटेगरी रैंक 1 है। आप देख सकते हैं पूरा रिज़ल्ट, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं अगर आप CBSE नीट करेंगे आगे फ्यूचर में। तो ऐसे 76,778 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से क्लियर करा है, और 72,000 और 70,000 क्लियर करा है केरला से और महाराष्ट्र से, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश वासियों ने क्लियर करा है। और जो कि एक एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट होता है CBSE के द्वारा हुआ था 6 मई को, और जो टेक्स्ट यहाँ पे जो हुआ था इसका 136 सिटी में हुआ था 11 लैंग्वेज के अनुसार। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और सबसे पहले हमने आपको खबर दी है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ CBSE की, ICSE और स्टेट बोर्ड और जितनी भी स्टडी मटेरियल, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर अगर आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें।